नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। वीडियो बन रहा है तुला राशि के लिए। तुला राशि जिसकी चंद्र राशि तुला है, अगर आपका नाम र पे है या ट पे है तो आपकी तुला राशि है। और आप हमें भी व्हाट्सएप पर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गाइड यू कि आपका चंद्र राशि क्या है। अब आपका जो प्रिडिक्शन हो रहा है ये फरवरी 2019 के लिए हो रहा है, सॉरी फॉर लिब्रा साइन, कि उनका मैरिज प्रिडिक्शन हो रहा है कि उनका मैरिज लाइफ कैसा होगा, या अनमैरिड लोगों का मैरिज कब होगा। यहाँ कहता है बहुत ही कम समय के लिए आपका पार्टनर आपके पास आने वाला है, आपको उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है। फरवरी मंथ में जो भी प्रपोजल आपको आ रहा है, फर्स्ट प्रपोजल, और अगर सामने वाला लड़का या लड़की कम समय के लिए रुकने वाले हैं तो आपको समझना है कि वही आपका पार्टनर है। और आपको चट मंगनी पट ब्याह भी आप कर सकते हैं, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और अब्रॉड से भी प्रपोजल आने के चांसेस है, आपका घर से दूर भी दिखाता है शादी होने के चांसेस है। रिगार्डिंग लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, आपको अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना है। अभी आप उसका बेनिफिट रियलाइज नहीं करेंगे, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल रियलाइज कि अरेंज मैरिज बेटर है। कार्ड्स इतने अच्छे नहीं है, बट यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया था वो दिखाता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर शॉर्ट टर्म, तो आपको उसका फायदा उठाना है। जो मैरिड कपल है उनको बहुत सोच समझ के अपनी मैरिड लाइफ चलानी है, गुस्सा पार्टनर के सामने कम करना है, और दूसरों का बर्डन, बाहर की चीजें अपने घर पे नहीं डिस्कस करनी है। और आउटसाइडर्स की वजह से आपके घर पे झगड़ा हो सकता है, आपके घर पे आपका मैरिड लाइफ अफेक्ट हो सकता है, बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और इनकेस न्यूली मैरिड कपल है तो आपका ये मंथ अच्छा है फॉर प्रोजेनी, बट अगर क्लैशेस हैं तो उसमें भी डिले हो सकता है। सो आपके लिए एडवाइजेस क्या है, आपको येलो चना दाल मंदिर में डोनेट करना है, मिल्क मंदिर में डोनेट करना है। किसी लड़की की फ्रेंड की शादी हो रही है, उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, आपको जाकर उनसे मेहंदी उनके हाथ से अपने हाथ पे लगवानी है। इससे आपका मैरिड लाइफ जल्दी मैरिज का योग जल्दी खुलेगा। आपके बिस्तर के नीचे देखना है कि कोई भी क्लटर नहीं हो, बेड को पूरा खाली करना है, जूने कपड़े घर से निकाल देने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं, उससे आपका मैरिज जल्दी होगा। देन ऐसे नहीं सोचना है कि जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजन हो जाएंगे इनके, इनफैक्ट आपके इसमें प्रेडिक्शंस में दिखाता है कि आपको जल्दी डिसीजंस लेने हैं तो ये आपका फायदा है। एंड अगर कुछ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस के हिसाब से तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको वेस्ट डायरेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, वेस्ट डायरेक्शन से आपके बर्थ प्लेस के वेस्ट डायरेक्शन से आपको प्रपोजल्स आने के चांसेस है। थैंक यू।